देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के साथ ही पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा भी कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक इस बार 4 लोगों को पद्म विभूषण, 14 लोगों को पद्म भूषण और 94 लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई, लेखक बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, LNT के चेयरमैन अनिल कुमार मणिभाई और जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर को इस साल पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। इसके अलावा पद्म भूषण और पद्मश्री के विजेताओं के नामों का भी ऐलान हो गया है। इस साल पत्रकार कुलदीप नैयर को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, जबकि अभिनेता मोहनलाल, पंजाब सरकार में मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा, करैया मुंडा, इसरो के वैज्ञानिक नाम्बी नारायण और पर्वतारोही बिछेंद्री पाल समेत 14 मशहूर हस्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं बात करें पद्मश्री अलंकरण से नवाजे जाने वाली शख्सियतों की, तो इनमें अभिनेता मनोज वाजपेयी, कादर खान, कोरियोग्राफर प्रभु देवा, फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री, क्रिकेटर गौतम गंभीर, पहलवान बजरंग पूनिया, संदीप गुलेरिया, एस जयशंकर, मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री शामिल है। ये सभी वो नाम है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। अब जल्द ही इन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।